नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर भूमि पूजन को उत्सव के रूप में मनाया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के साथ कमलनाथ का घर भी राममय नजर आया। कांग्रेस कार्यालय में जहां जय श्री राम के नारे की गूंज रही, वहीं आतिशबाजी के साथ भजन संध्या का आयोजन हुआ। बता दें कि एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस की तरफ से चांदी की 11 शिलाएं भेजने का ऐलान भी किया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत अनेकता में एकता का देश है, जहां पर अनेक धर्म के लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। मैं मानता हूं कि अभी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन तब भी इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अयोध्या में हो रहे राम जन्मभूमि को भाजपा अपना कार्यक्रम बनाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज अयोध्या में हुए कार्यक्रम में 100 से 200 लोग और भी शामिल हो सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। बहुत समय से हर भारतवासी आशा थी, आकांक्षा थी, राम मंदिर का निर्माण आज शुरू होने जा रहा है। राजीव गांधी जी ने 85 में दावा छोड़ा था और ये भावना उस समय से उभरी थी। उन्होंने 89 में कहा था राम राज्य होगा, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये 89 की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो इसका कोई श्रेय लेने की कोशिश करे वो गलत होगा। मुझे तो खुशी होती कि आज जो निर्माण शुरू हुआ है अपने प्रदेश का, हर मुख्यमंत्री होता अपने प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर जातियों का प्रतिनिधि होता, अपने देश के हर धर्म का प्रतिनिधि होता, क्योंकि ये किसी एक का नहीं है, ये उत्तर का नहीं है, ये दक्षिण का नहीं है, ये पूरब का नहीं है, ये पश्चिम का नहीं है, ये पूरे देश पर एक सीमित रूप से करोना है, मैं जानता हूँ। पर कोरोना में भी तो ऐसी व्यवस्था 100-150 लोगों की हो सकती थी, होती है तो और अच्छा होता। आज पूरे भारत में हर्षोल्लास का वातावरण, है। कारण ये है कि हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम जीवन के हर पहलू में हमें मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। मुझे याद आ रहा है, आदरणीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में श्री राम मंदिर का ताला खुला, आदरणीय राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ और आज उस जन्मभूमि पर भूमि पूजन हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो शिलान्यास हुआ, तदोपरांत वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक भूमि पूजन आज किया है। इसलिए हर भारतवासी प्रसन्न है और भारत में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।